हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिफोर डिलीट ट्रिगर के बारे में। ठीक है, तो बिफोर डिलीट का मतलब कि अगर हम कभी भी किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, उससे पहले अगर हम उसके ऊपर डिलीट होने से पहले अगर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, या फिर उसकी किसी पर्टिकुलर फील्ड को चेक करना चाहते हैं कि अगर वो एग्जिस्ट करती हो तभी वो रिकॉर्ड डिलीट हो, अदरवाइज वो रिकॉर्ड डिलीट ना हो, या फिर हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर वो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करती है फील्ड में तो रिकॉर्ड हमारा डिलीट ना हो, ठीक है, तो उस केस में हम बिफोर डिलीट ट्रिगर का यूज़ करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने डेवलपर कंसोल में जाऊँगा और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर एपेक्स ट्रिगर पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, लेट्स से ऐसे लिख देता हूँ, सिंपल नाम ले लेते हैं, डिलीट अकाउंट। ठीक है, डिलीट अकाउंट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंट। इस पर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट की जगह पे यहाँ पे मैं कर दूँगा डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करूँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ ट्रिगर डॉट इज़ डिलीट एंड ट्रिगर डॉट इज बिफोर। ठीक है, तो तभी हमारा ये ट्रिगर चले। अब यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा, ठीक है, हेल्पर क्लास क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट अकाउंट हेल्पर। ठीक है, इसको मैंने ओके किया तो यहाँ पे मेरी क्लास क्रिएट हो जाएगी। इसका यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ओबीजे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखूँगा न्यू, अपनी क्लास का नाम यहाँ पे। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसमें मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा क्लास में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड डिलीट अकाउंट, डिलीट अकाउंट सिंपल। ठीक है, तो डिलीट हमारा जो डिलीट अकाउंट होता है, इसको यहाँ पे मैं सेव करूँगा और यहाँ पे इस मेथड को कॉल करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा obj डॉट मेथड का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो मेथड है वो कॉल हो गया। इसमें यहाँ पे कुछ बॉडी आ जाएगी हमारी मेथड की। तो ठीक है जी, तो ये हमारा मेथड हो गया सेव। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमेशा जो बिफोर जो डिलीट ट्रिगर होता है, ठीक है, बिफोर डिलीट में हमारे पास न्यू वाले जो हमारे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हैं उनकी एक्सेस नहीं होती। ठीक है, क्योंकि डिलीट के बिफोर डिलीट का मतलब डिलीट होने से पहले, तो हम पहले वाले रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास जो ओल्ड वाले रिकॉर्ड्स हैं वही होंगे, न्यू वाले रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का ही यूज़ कर सकते हैं इन बिफोर डिलीट ट्रिगर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ट्रिगर डॉट ओल्ड का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा जो अकाउंट है अगर उसमें वेबसाइट की वैल्यू नल नहीं है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरर शो करवाएंगे, अगर हमारे अकाउंट की वेबसाइट की जो वैल्यू है वो नल नहीं है तो वो अकाउंट डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अगर वो नल है तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव, इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे मेरे को पास करना पड़ेगा अपनी लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ओल्ड अकाउंट। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ट्रिगर डॉट ओल्ड है और ट्रिगर डॉट न्यू है ये हमें लिस्ट रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट लेनी पड़ेगी अकाउंट की। ठीक है, क्योंकि जो ट्रिगर डॉट ओल्ड है और ट्रिगर डॉट जो न्यू है वो लिस्ट रिटर्न करते हैं रिकॉर्ड्स की। ठीक है, किन रिकॉर्ड्स की, जिनके ऊपर ये ट्रिगर मैंने अप्लाई किया है अकाउंट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट करूँगा जिसमें मैं उन अकाउंट्स को ऐड करवाता जाऊँगा
जिनको मुझे डिलीट करवाना है, ठीक है, क्योंकि हम लूप के अंदर कभी भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते। हम पहले जिन रिकॉर्ड्स के ऊपर हमने डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उन रिकॉर्ड्स को हम एक साथ एक लिस्ट में ऐड कर लेते हैं और फिर उस लिस्ट के ऊपर हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हर एक एक रिकॉर्ड के ऊपर हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, हम उन रिकॉर्ड्स को सबसे पहले एक कलेक्शन में ऐड करते हैं, ठीक है, लिस्ट में ऐड करते हैं, फिर उस लिस्ट के ऊपर हम एक बार डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है इन एपेक्स ट्रिगर्स, ठीक है। ये हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई और यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ डिलीट अकाउंट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये हमारी लिस्ट क्रिएट होगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास अकाउंट्स आए हैं उनके ऊपर मैं वन बाय वन आइट्रेट करूँगा। आइट्रेट करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। हम अकाउंट के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट का वेरिएबल क्रिएट करूँगा और इस वेरिएबल में मैं वन बाय वन उन अकाउंट्स को आइट्रेट करूँगा जो मेरे पास यहाँ पे ओल्ड अकाउंट लिस्ट में यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ acc.website is not equal to null कि अगर मेरी जो acc अगर मेरा जो करंट अकाउंट है उसकी अगर वेबसाइट जो फील्ड है अगर वो नल नहीं है, अगर नल नहीं है तो क्या करो, उसको डिलीट ना करो, ठीक है। तो ना करेंगे तो उसको उसके लिए हमें जो ट्रांजैक्शन है उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए हम यहाँ पे एरर डिस्प्ले करवाएंगे। तो एरर हम कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा acc.addError, ठीक है। और इसमें मैं अपना एरर डिस्प्ले करवा दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा अकाउंट कैन नॉट बी डिलीटेड इफ इट हैज़ वेबसाइट वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करो उस लिस्ट को, उस अकाउंट को लिस्ट में ऐड करवा दो, ठीक है, वो वाली लिस्ट जिसमें जिसको हमें डिलीट करवाना है। तो यहाँ पे मैं लिख के आ लूँगा delete.addAccount, ठीक है, ऐड करंट अकाउंट विच इज़ acc। और जैसे ही हमारी ये वाली लूप कंप्लीट होगी और यहाँ पे हमारे जो अकाउंट है वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे खुद से डिलीट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बिफ़ोर ट्रिगर में हैं, तो बिफ़ोर में क्या होता है, हमें कभी भी डीएमएल ऑपरेशन यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, आपको अच्छे से सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो अकाउंट आए हैं, ठीक है, हर एक अकाउंट के ऊपर मैं वन बाय वन आइट्रेट करूँगा और यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर acc की वेबसाइट जो है वो नल नहीं है, अगर नल नहीं है तो क्या करो, एरर डिस्प्ले करवा दो कि वो अकाउंट डिलीट नहीं होगा जिसके ऊपर वेबसाइट की वैल्यू है। अगर वो नल है तो क्या करो, उसको डिलीट अकाउंट वाली लिस्ट में ऐड कर दो अकाउंट को, और वो वन बाय वन, और वो जैसे ही ये वाली हमारी जो लूप है वो कंप्लीट होगी और इसके कंप्लीट होते ही वो वाले अकाउंट्स डिलीट हो जाएंगे जिनके ऊपर वेबसाइट की वैल्यू नल है, ठीक है जी। अब चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, जिसके ऊपर वेबसाइट की वैल्यू जो है, इसको बंद करो, जिसके ऊपर जो वेबसाइट की वैल्यू है वो नल नहीं है, ठीक है, नल नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट करूं, जब मैंने इसको डिलीट किया तो यहाँ पे देखिए अकाउंट कैन नॉट बी डिलीटेड इफ़ इट हैज़ वेबसाइट वैल्यू, मेरे को यहाँ पे मैसेज आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको लेट्स से मैं इसको यहाँ पे नल कर देता हूँ, ठीक है, पहले मैंने इसको सेव किया, इसको मैंने नल कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डिलीट करूँगा, ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये देखिए मेरा अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है, मेरा जो अकाउंट है वो अब डिलीट हो गया। तो ऐसे हम बिफ़ोर डिलीट ट्रिगर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिफ़ोर डिलीट से पहले अगर हमें कोई वैलिडेशन परफॉर्म करवानी है बेस्ड ऑन एनी वैल्यू तो हम ऐसे उसको करवा सकते हैं बाई यूज़ एड एरर मैसेज, ठीक है जी।
तो ये हमारी एग्जांपल होगी बिफोर डिलीट की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।